अगर एक स्टूडेंट्स के साथ इंजस्टिस हो तो हम इसे इंजस्टिस कहेंगे, लेकिन सोचिए अगर यही यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स के साथ हो तो हम क्या इसे इंजस्टिस कहेंगे? नहीं, इसे हम यहाँ पे कहेंगे महा इंजस्टिस, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के इस वक्त वो 10 और 12 के स्टूडेंट्स से इस बार जाकर पूछिए जो दोस्तों जिनका इस बार दोबारा कंपार्टमेंट आ गया है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान हैं और उनको अगेन कंपार्टमेंट बोर्ड ने कुछ इस तरीके से दिया कि 12 में यहाँ पे दोस्तों 70% स्टूडेंट्स को अगेन यहाँ पे कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया, अगेन उनको यहाँ पे फेल कर दिया। और 10th के केस में बात करें तो 10th के केस में भी दोस्तों रिजल्ट कोई यहाँ पे परसेंटेज जो है कोई अच्छी नहीं है। इनके भी दोस्तों कई हजार स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको यहाँ पे अगेन कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया गया है। तो आज का वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने अपने साइट पर यहाँ पे एक लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। पूरा कंप्लीट प्रोसीजर जो है आज की वीडियो में आप लोग जान रहे होंगे किस तरीके से जो है अब आप लोग जो है अपने मार्क्स को इंक्रीज करके आखिरी चांस आप लोग के लिए होने वाला है अपने कंपार्टमेंट को हटाने का। तो ये सारी चीजों पर जो है पूरा कंप्लीट ऑफिशियल ऑथेंटिक जो चीजें निकल के सामने आ रही है, जो सीबीएसई बोर्ड ने आप लोग को कंपार्टमेंट को हटाने का जो चांस आखिरी दिया है, इस पर पूरा कंप्लीट बात कर रहे होंगे। और आखिर में यहां पर अगेन मैंने इसको लेकर डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी जो है यहां पर सारी चीजें इसको रिगार्डिंग भी यहां पर बात करने वाला हूं। जल्दी से स्टूडेंट्स यहां पर बात करें तो इनजस्टिस का लेवल जो है यहां पर छोटा नहीं है, इनजस्टिस का लेवल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोग सबसे पहले यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ये रहा सीबीएसई बोर्ड का साइट। सिंपली इस पर अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है यहां पर वेबसाइट ओपन हो चुका है। और आप लोग यहां पर बार बार कह रहे हैं ना क्या मुझे जाना चाहिए या क्या मुझे जो है यहां पर रिस्क लेना चाहिए अपने मार्क्स को बढ़ाने को लेकर, क्या मेरे कंपार्टमेंट यहां पर हट जाएंगे और कैसे हटेगा, क्यों हटेगा, सारा चीज पे बात कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको दिखाता हूं सीबीएसई बोर्ड के वो सभी 10 और 12 के स्टूडेंट जिनकी अगेन इस बार कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है उनके लिए यहां पर वेरिफिकेशन का पोर्टल यहां पर ओपन हो चुका है। आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा यहां पर वेरिफिकेशन का जो है पोर्टल यहां पर ओपन हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से पीछे दिखाऊं तो यहां पर मेन वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। मेन वेबसाइट पर नीचे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोग देखिएगा अलग अलग जो बॉक्सेस बने हैं, यहीं पर आपका एक बॉक्स जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस का है। यहां पर जैसे ही हम यहां पर क्लिक कर रहे होंगे आप लोग यहां पर क्लियरली देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड ने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी जो वेरिफिकेशन है, फोटोकॉपी है या फिर जो रिवोल्यूशन रीचेकिंग है, इसका जो है पोर्टल यहां पे ओपन कर दिया है। जैसे ही हम यहां पे क्लिक करें तो आप लोग देखेंगे 10 और 12 जो है यहां पर आप लोग देख सकते हैं 10 एंड 12 जो है यहां पे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले 12 वाले केस पे अप्लाई करूं तो यहां पे 12 वाले पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे यहां पर जो है आपको जो है सिंपल 2 से 3 स्टेप में जो है आप लोग यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले 12 वाले पे मैं यहां पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं, तो आप लोग यहां पे देखिए 12 के केस में जो है आपको क्या यहां पे फिल करना है। तो सबसे पहले यहां पे आपका ये रोल नंबर है, उसके बाद जो है स्कूल नंबर है, सेंटर नंबर है, ये तीनों डिटेल्स को फिल करके जो है आप अपने यहां पर मार्क्स को चैलेंज करवा पाएंगे। और आप जो है सीबीएसई बोर्ड का यहां पे जो मार्क्स का चैलेंजिंग ऑप्शन है और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो किन बच्चों को यहां पे अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए उसको रिगार्डिंग भी बात करेंगे। एक चीज यहां पे शॉर्ट में समझिए क्या आपको यहां पे जाना चाहिए, तो यहां पे जो है सारी चीजों पर पूरा कंप्लीट यहां पर बात करूंगा कि आपको जाना चाहिए। तो इसको लेकर जो है एक एक करके आंसर को समझते हैं। सबसे पहले यहां पर 10 के स्टूडेंट्स और यहां पर 12 के स्टूडेंट्स दोनों स्टूडेंट्स यहां पर समझिएगा, ये यहां पर पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाला है। तो यहां पर चीजों को समझ लीजिएगा, फिर आप बार बार इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं सभी लोगों का तो रिप्लाई दे रहा हूं। इवन यहां पर कई सारे जो है यहां पे मैंने आपको बताया 600 प्लस जो है यहां पे अभी डीएम पड़े हुए, तो जिन स्टूडेंट्स को यहां पे अभी तक रिप्लाई नहीं मिल पाया मैं कोशिश कर रहा हूं सभी को रिप्लाई देने की। इवन मैंने कई लोगों से कॉल पे भी बात किया, आप लोग को भी बात करना है मुझसे तो इंस्टाग्राम पे जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं एक एक करके रिप्लाई दे रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों को अभी रिप्लाई नहीं मिल पाया है उनके लिए सॉरी। तो वो बच्चे जो है यहां पर देख लीजिएगा कि आपको अब यहां पर अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो 10 के स्टूडेंट्स और 12 के स्टूडेंट दोनों चीजों को यहां पर समझिएगा। 10 के स्टूडेंट्स को जो है यहां पे अप्लाई करना है अपने यहां पे कंबाइन मार्क्स देखकर अप्लाई करना है, यानी कि आपके यहां पे 100 में से आपके जो है यहां पे 30 हैं या फिर 31 है या फिर आपका 32 है, इन तीनों सिनेरियो में जो है आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये तीनों सिनेरियो का मतलब है आप 3 मार्क्स से या फिर 2 मार्क्स से या फिर आप 1 मार्क्स से रह रहे हैं, यानी कि इन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। और इन बच्चों को अप्लाई यहां पर एक चीज और भी समझिएगा, अप्लाई तभी आप करिएगा जब अपने आप पे श्योर हो। क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर सिंपल शब्दों में कहूं, मैं आपको यहां पर कह रहा हूं अप्लाई कर दीजिए, लेकिन पेपर आपने लिखा है, पेपर आपने कैसा लिखा है, क्या लिखा है ये आपको पता है, कितना आपने सही लिखा है कितना नहीं लिखा है ये आपको पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे जो है आपका 10 के लिए जो है 500 रुपीज जो है यहां पे अप्लाई के लिए लगने वाला है और 12 के लिए भी जो है यहां पे 500 जो है अप्लाई के लिए उनका लगने वाला है। तो ये जो 500 है ये पैसा लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई करिएगा। मैंने आपको बता दिया किन बच्चों को यहां पर रिस्क लेना चाहिए, ये जो है वो स्टूडेंट्स है जिनको रिस्क लेना चाहिए और वो बच्चे भी यहां पर रिस्क ले सकते हैं। कई सारे बच्चे कह रहे हैं मैं 5 नंबर से हूं तो क्या मैं भी जा सकता हूं, सीबीएसई बोर्ड यहां पर कह रही है आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पुराना रिजल्ट सेम अपडेट हो गया है, बल्कि मैंने बहुत
अच्छा पेपर किया था, या फिर जो है मैंने बोर्ड से इस बार बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, मेरा इवन पेपर भी बहुत अच्छा गया था, लेकिन मेरे मार्क्स वैसे नहीं आए जैसा मैं सोच के चल रहा था, यानी कि मेरे मार्क्स फिर से जो है 12, 13, 14 नंबर आ गए हैं और मैं फिर से अगेन कंपार्टमेंट में प्लेस हो गया हूं। तो वो सभी बच्चे यहां पे अप्लाई के लिए जा सकते हैं, और इवन जो है ये जाना इसलिए भी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया 70% स्टूडेंट्स को यहां पे फेल कर दिया गया है, और इवन जो है ये 70% तो यहां पे आंकड़ा जो है अभी तक का सबसे खराब है, लेकिन ये आंकड़े और भी खराब तब हो जा रहे हैं जब काफी सारे बच्चे यहां पे शिकायत कर रहे हैं कि मेरे सेम मार्क्स अपडेट हो गए। अब सेम मार्क्स अपडेट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बोर्ड में जितना आया था इतना इस बार भी उतना ही आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी, और ये गड़बड़ी अगर होगी तो आपका रीचेकिंग से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 12 के केस में बात करें तो 12 के केस वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग कंबाइन मार्क्स मत देखिए प्लीज, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं मेरे 40 मार्क्स फिर भी मेरे कंपार्टमेंट क्यों मिल गया, तो आपको जो देखना है वो 80 में से देखिए थ्योरी में आपको कितना मिला है। तो अगर 80 में से किसी स्टूडेंट्स को जो है यहां पर 26 आपका पासिंग है, लेकिन 26 से आपको जो है आपको कितना मिला है, आपको 24 मिला है, 25 मिला है, इवन 23 भी आपको मिला है, तो आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि 26 पे आपको पास होना होता है। तो अगर एक नंबर से, दो नंबर से, तीन नंबर तक वाले स्टूडेंट्स जो है यहां पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहां पर अगर एक रिस्क लेते हैं, बेशक जो है आपका 500 लग रहा हो या फिर जो है 500 आपको फिर बाद में भी लगेगा जो आपकी यहां पर फोटो कॉपी मंगवाएंगे, तो इवन जो है यहां पर टोटल अप्रोक्सीमेटली जो मैं यहां पर खर्चे लेके चल रहा हूं आपका 1500 रुपए के करीब लगेगा। तो ये जो 1500 रुपए का अगर खर्च करके आपका 1 ईयर यहां पर अगर सेव हो जाता है तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई बात नहीं है, कोई यहां पर कोई भी जो है यहां पर बुराई नहीं है इसमें। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा सभी बच्चे अप्लाई मत कर दीजिएगा कि मार्क्स बढ़ेगा, वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपके मार्क्स यहां पे बढ़ ही जाएंगे, वेरिफिकेशन का मतलब होता है आपकी ही कॉपी दोबारा से चेक की जाएगी, और इस बार जो कॉपी चेक की जाएगी ना ये यहां पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करेंगे, यानी एक कॉपी को 10-10 बार देखा जाएगा। तो ये चीजों को समझिएगा, 10-10 बार देखने जाने का मतलब समझ रहे कि एक मार्क्स यहां पर जो है, एक मार्क्स भी जो है यहां पर जो है आपको अगर यहां पर कटा होगा तो आपको यहां पर दोबारा चेक की जाएगी। और यहां पर एक चीज समझिएगा, जो कह रहे हैं कि अटेंड के जो मार्क्स मिलते हैं, अटेंड के मार्क्स जो इवन जो आपको जो यहां पर मिलना था वो आपको यहां पर कंपार्टमेंट तक ही मिलता है, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, यहां पे सही है तभी मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यहां पे रीचेकिंग में आपको यहां पे कोई अटेम्प्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर जो है इवन एक मार्क्स से भी रह रहे होंगे तो यहां पर भी जो है कुछ भी यहां पे जो है कोई आपके साथ जो है यहां पे थोड़ा सा भी जो है आपके साथ कहते हैं ना थोड़ा सा भी जो है आपके लिए यहां पे नोइस सोचा जाएगा, तो यहां पे जो करेक्ट होगा वो आपको मार्क्स मिलेगा, या फिर जो करेक्ट नहीं होगा तो आपका सेम मार्क्स को अपडेट कर दिया जाएगा। जब सेम मार्क्स अपडेट हो जाएगा तो थोड़ा सा यहां पे बुरा लगेगा और आपको भी लगेगा कि मैंने पैसे खर्च करके भी जो है मेरा यहां पर मार्क्स सेम अपडेट हो गया, तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं जो बच्चे श्योर है तभी जाइएगा। तो ये चीजों को भी समझिए, आई होप आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा मुझे जाना है या फिर नहीं जाना है। अब एक चीज और भी समझिएगा, काफी सारे बच्चे यहां पे कहते हैं जैसे ये 12 का हो गया, 10 का भी जो है बात करें तो 12 वाले स्टूडेंट्स, एक चीज और भी अब आपको बता दूं, कल लास्ट डेट है आप लोग का अप्लाई करने का, तो आपने अप्लाई कर दिया है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस, अगर नहीं किया है तो कब करेंगे या फिर नहीं करेंगे, एक चीज बताइएगा। तो क्या आप लोग अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया 3 नंबर तक वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्क लेंगे, बाकी बच्चे यहां पे रिस्क मत लीजिएगा, बाकी बच्चे रिस्क तभी लेंगे जब उनको अपने आप पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि पेपर इवन मैं आपको लास्ट में फिर से कहूंगा पेपर आपने लिखा है तो मुझे नहीं पता पेपर आपका कैसा गया था, आपने कितना सही लिखा था, तो अपने आप पे ट्रस्ट होना है आपको पहले जरूरी है। इवन यहां पे 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, 10th वाले अब क्या करेंगे, तो यहां पे देख सकते हैं 10th का जो है यहां पर अभी आपका ओपन नहीं हुआ है, टू अर्ली यहां पे शो कर रहा है, तो आप लोग देखिएगा यहां पे टू अर्ली लिख रहा है, इसका मतलब जो है आपका यहां पे ओपन नहीं हुआ है, आपका यहां पे 8 तारीख से ओपन होगा, जैसे कि मैंने आपको इवन सर्कुलर में भी बताया था, ये वाला वीडियो देखिएगा, तो यहां पे 10th के रिगार्डिंग ही मैंने सारा चीज बात किया है, तो ये वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। तो आपका जब अप्लाई होगा मैं आपको बता दूंगा। अब एक चीज को यहां पे और भी समझ लेते हैं, अब यहां पे सारी चीजों पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक चीज को और भी समझते हैं, यहां पर अगर आप अगेन यहां पे आपकी फेल हो गए हैं तो आपको जो है यहां पे कंपार्टमेंट का जो ये जो आपका पोर्टल खुला हुआ है जो कल तक ओपन रहेगा इसके लिए जो है आप यहां पे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर बताया किनको अप्लाई करना है, तो ये चीजों को देखिएगा, क्योंकि इवन लास्ट ईयर जो है काफी सारे बच्चे की कंपार्टमेंट हट गई थी, क्योंकि ये होता है कि कई बार कॉपी गलत चेक हो जाती है, पेज जो है आपस में चिपक जाते हैं, या फिर जो है इवन कोई क्वेश्चन जो है चेक होने से रह जाता है जल्दीबाजी में, तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये चीजों भी जो है आप लोग को समझना है, अपने आप पे श्योर होना चाहिए। तो ये चीजों को आप लोग समझिए। एनआईएस को लेकर आप लोग बार बार पूछ रहे हैं क्या एनआईएस में सच में मैं चले जाऊं, क्या सच में मैं एनआईएस को चले जाऊं, तो एक चीज मैं आपको क्लियरली कहूंगा, फिर से कहूंगा, एनआईएस में जाने से पहले बहुत ही ज्यादा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एनआईएस को यहां पे एनआईएस में मैं चले जाऊं, एनआईएस में जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, एनआईएस क्या मेरा 1 ईयर को यहां पे सेव कर लेगा, क्या सच में मेरा 1 ईयर बच जाएगा, तो एनआईएस में जाने से पहले ध्यान रखिएगा, अभी आपकी कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में आई हुई है या फिर आपका 2 में हो सकता है, इवन यहां पे 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक ही है, लेकिन 10th वाले कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 2 में कंपार्टमेंट आई हुई है, तो 1 या फिर 2 यही है आपके पास रियल सिनेरियो, यही है आपके पास। लेकिन एनआईएस में जाएंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा, वहां पे आपको 3 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपार्टमेंट वाला ही जो आपका सब्जेक्ट है उसी का एग्जाम देना पड़ेगा, वहां पर आपको टोटल 3 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, आप लोग अब डिसाइड कर लीजिए, तो वहां पर आपको 3 देना पड़ेगा। एक चीज और भी समझिएगा,
यहां पर आपका एक है, वहां पे तीन सब्जेक्ट हो जाएगा, पहला बर्डन यहां पे आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम जाके अक्टूबर में होगा, इनका एग्जाम जाके अक्टूबर में होगा, रिजल्ट जाके दिसंबर में आएगा। तो ये चीजों को जो है समझ लीजिएगा। एनएस मैं नहीं कह रहा कि खराब है, एनएस में आपको जाना नहीं चाहिए, उसकी भी वैल्यू बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन ये चीजों को भी थोड़ा सा देखिए कि दिसंबर में जब रिजल्ट आएगा तो आपको कौन सा स्कूल या फिर कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन देगा उस समय, तो ये चीजों को भी जो है सोच लीजिए। अगर स्कूल या कॉलेज में आप पहले जाइए और वहां पर बात करिए, अगर वो कह देते हैं कि आप दिसंबर में आओगे तो मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा, देन आप लोग 100% जा सकते हैं, क्योंकि वन ईयर यहाँ पे सेव करना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे दिसंबर में एडमिशन मिल जाएगा तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं बात बस यही कह रहा हूं कि आप लोगों को यहाँ पे दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो ये चीजों को भी सुनिएगा। और यहाँ पे जो जिन बच्चों का अगेन कंपार्टमेंट आ गया है, इनका एग्जाम यहाँ पे फरवरी में होने वाला है, तो ये फरवरी में एग्जाम होगा, तो चीजों को थोड़ा सा समझिए। और यहाँ पर एग्जाम देंगे तो आपको एक ही सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, या फिर आपका दो में है तो आपको दो का ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरेंगे, और यहाँ पे जो है आपको जो यहाँ पे फॉर्म भरेंगे ये ऑन डिमांड एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, तो ऑन डिमांड में आपको तीन सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे देना पड़ जाएगा। तो ये चीजों को भी जो है थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। प्राइवेट का फॉर्म कब आएगा, काफी बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे 10 का जो स्टूडेंट्स हैं या फिर 12 हो, दोनों के अंदर सवाल है प्राइवेट का फॉर्म कब आएगा। तो प्राइवेट का जो फॉर्म है आप लोग के यहाँ पे दिसंबर के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इस टाइम में आता है, या फिर नवंबर में जो है आता है। तो नवंबर और दिसंबर ये जो दो मंथ है इसमें आपका प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म आ रहा होगा, जिसमें आप लोग अपने लिए अप्लाई करेंगे एक सब्जेक्ट के लिए या फिर दो सब्जेक्ट के लिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है इसके लिए आप अप्लाई करेंगे। एग्जाम आपका फरवरी में होगा, ये सीबीएसई बोर्ड का शेड्यूल है, और एनआईएस का शेड्यूल अक्टूबर में एग्जाम होगा इसी साल, मैंने आपको बता दिया, लेकिन रिजल्ट दिसंबर में आएगा। तो थोड़ा सा ये सोच समझ लीजिएगा एनआईएस में जाने से पहले, अगर पहले बात कर लीजिए, पहले एक काम करिए, आप लोग बात करिए स्कूल में जाकर, अपने स्कूल में जहां 11th में लेना चाहते हैं एडमिशन, या फिर जो यहां पे 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में जाकर बात करिए क्या दिसंबर में कॉलेज आपको एडमिशन देगा। तो ये सारी चीजों को जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग यहां पे जा सकते हैं। एनआईएस भी सही है और सीबीएसई बोर्ड भी सही है, अगर सीबीएसई से दोबारा आप यहां पे एग्जाम देते हैं तो। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है, आप लोग किसके साइड जाने वाले हैं नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा। और हां, अगर आपको ऐसा लग रहा है सच में कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, देन रीचेकिंग के लिए जरूर जाइएगा। रीचेकिंग में 1000 लगेगा, 1200 लगेगा, लेकिन आपका यहां पे वन ईयर को सेव करवा पाएगा। तो थोड़ा सा रिस्क यहां पे जो है, आप में से जो स्टूडेंट्स को यहां पे लग रहा है कि रिस्क मैं ले सकता हूं, रिस्क लेने के बारे में यहां थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि रीचेकिंग यहां पर जो है आप लोग के लिए ओपन हो चुका है, कल यहां पे लास्ट डेट होने वाला है। तो सबको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन जो श्योर है वो बच्चे अप्लाई करेंगे, जो तीन नंबर से यहां पे रह रहे हैं, एक नंबर से, दो नंबर से या फिर तीन नंबर से रह रहे हैं, तो वो बच्चे यहां पे जरूर सोचेंगे। सबको नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 8 नंबर बढ़ जाएंगे, इतना नहीं बढ़ता है, लेकिन एक दो नंबर, जो तीन नंबर वाले जो बच्चे बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं ना, उन बच्चों के चांसेस यहां पे होते हैं, 50% चांसेस होते हैं कि वो बच्चे पास हो जाएंगे। 50% भी काफी है, इस बार कंपार्टमेंट का रिजल्ट तो 30% ही आया है। तो ये चीजों भी जो है आप लोग थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। अगर बाई चांस आप हो जाते हैं पास तो आपको वन ईयर यहां पे सेव हो जाएगा, इवन आप कॉलेज में एडमिशन अभी ही ले पाएंगे। आप में से काफी सारे बच्चे कह रहे थे मैंने एडमिशन ले भी लिया है, अब वो एडमिशन आपका कंटिन्यू रह जाएगा जब आप लोग यहां पे क्लियर कर लेंगे। तो एक चीज सोचिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने सारे स्टूडेंट्स यहां पे जाने वाले हैं। आगे मैं आपको अपडेट करूंगा यहां पे आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग, जैसे ही यहां पे वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, या वेरिफिकेशन को लेकर सारा स्टेप मैंने आपको बता दिया है, यहीं पे अप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है। फीस पेमेंट आप लोगों को 500 करनी है और आप यहां पे अप्लाई कर दिए होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, आप आगे भी जो है आपको अपडेट करता रहूंगा। जय हिंद।